हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हमारे पास एक सैमसंग कंपनी का अल्ट्रा स्लिम टीवी आया है बनने के लिए, और दोस्तों इसमें रिट्रेस लाइन आ रहा है, ठीक है, और पिक्चर के साथ भी आ रहा है। दोस्तों आप कभी कदाल ए भी कोड लगाने पर यह रिट्रेस लाइन अपने आप दोस्तों हट भी जा रहा है, गायब भी हो जा रहा है, और दोस्तों पिक्चर के साथ भी यह रिट्रेस लाइन बना हुआ है और आ रहा है। तो दोस्तों इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो इसी के विषय में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखे हुए को टच कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको हम ए भी कोड लगा के दिखाते हैं कि यह हटता है कि नहीं हटता है। तो दोस्तों हमने DTH ऑन कर दिया है और ये हम ए भी पिन पीछे लगाते हैं, और देखिए दोस्तों यह कभी कदाल ए भी कोड लगाने पर दोस्तों यह हट भी जा रहा है और कभी पिक्चर के साथ भी रह रहा है, ठीक है। तो इसी को दोस्तों देखेंगे, तो यह देखिए दोस्तों हट गया, ठीक है, और कभी कदाल दोस्तों यह पिक्चर के साथ भी आ रहा है, ठीक है। तो इसी को दोस्तों हम बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें अब रिट्रेस लाइन नहीं आ रहा है, इसमें केवल झिलमिलाहट है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम इसको टीवी को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या है। तो दोस्तों टीवी हमने खोल दिए हैं, टीवी के पीछे आ गए हैं, और दोस्तों इसमें ख़राब कुछ भी नहीं है। करेंगे हम यह कि यह जो ESD है, ESD का देखिए यहाँ पर स्क्रीन कंट्रोलर है, नीचे वाला प्रीसेट, इसको दोस्तों टीवी स्टार्ट करके थोड़ा सा हल्का इसको घुमा देंगे नाम मात्रा के लिए, तो वह दोस्तों रिट्रेस लाइन हमारा हट जाएगा। दोस्तों अगर टीवी में खराबी रहता तो कभी कदाल अपने से यह हटता नहीं। हुआ है क्या दोस्तों कि यह चलते चलते दोस्तों यह प्रीसेट है, इसका वैल्यू जो है घट बढ़ जाता है, तो दोस्तों इसको मिलाना पड़ता है फिर से एक बार। तो दोस्तों हम वही कर देंगे, एक बार पुनः हम इसको मिला कर सेट कर देंगे और दोस्तों यह पूरी तरह टीवी जो है ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम टीवी को स्टार्ट कर लेते हैं और इस प्रीसेट को घुमा कर रिट्रेस लाइन हटा देते हैं। तो टीवी हमारा स्टार्ट हो गया है, आपको सबसे पहले स्क्रीन दिखा देंगे। तो स्क्रीन देखिए दोस्तों, टीवी के स्क्रीन पर रिट्रेस लाइन है, देखिए। अब चलिए दोस्तों हम इस प्रीसेट को हल्का घुमाएंगे और घुमाने के बाद दोस्तों हमारा रिट्रेस लाइन ख़त्म हो जाएगा। इसका जो है लाइट जो है दोस्तों ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों हमने इसको घुमा दिया है और टीवी के स्क्रीन से रिट्रेस लाइन हट गया है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों टीवी के लाइट दोस्तों हल्का आ रहा है। अब चलिए दोस्तों आपको ये भी पिन देखिए लगा के दिखा देते हैं, आप दोस्तों टीवी के स्क्रीन पर पिक्चर वगैरह सब कुछ क्लियर आएंगे, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, देखिए यह पूरी तरह दोस्तों टीवी हमारा ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। तो दोस्तों अब इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रीसेट को इसको घुमा दिए हैं और यह टीवी जो है दोस्तों सेट हो गया है। दोस्तों इसका वैल्यू घट बढ़ हो जाने के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो बाईं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम इसको अच्छी तरह सेट कर टीवी को और कस देंगे, यह टीवी पूरी तरह ठीक हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।